फॉर नेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे सेफ। कोरोना वायरस के खौफ के साए में जी रही दुनिया को अब वैज्ञानिकों के एक दावे ने परेशान कर दिया है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि एक उल्कापिंड इस 29 अप्रैल को पृथ्वी के बेहद करीब से होकर गुजरेगा, जिसकी गति 19,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें भी अभी 24 घंटे से भी कम वक्त बचा हुआ है। जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना वायरस के प्रकोप को पूरी दुनिया झेल रही है, लोग मौत के साए में जी रहे हैं। ऐसे में एक और प्राकृतिक मार दुनिया को तबाही के कगार पर ला छोड़ेगा। हालांकि वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि ये धरती से टकराएगा नहीं, इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इस उल्कापिंड का नाम 1998 OR2 है। बताया जा रहा है कि बुधवार यानी कल ये धरती के बेहद करीब से गुजरेगा। वैज्ञानिकों को सिर्फ एक ही डर सता रहा है कि अगर ये उल्कापिंड अपना थोड़ा सा भी स्थान परिवर्तन करता है तो पृथ्वी पर बड़ा संकट आ सकता है। ऐसे में भारत समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक इस उल्कापिंड की दिशा पर गहरी नजर बनाए हुए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ स्टडीज की माने तो इसी बुधवार 29 अप्रैल को सुबह 5:56 पर उल्कापिंड के पृथ्वी के पास से गुजरने की संभावना है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये साइज में इतना बड़ा है कि पृथ्वी को आसानी से तबाह कर सकता है। इस उल्कापिंड का नाम 1998 OR2 है। वैज्ञानिकों को डर इस बात का सता रहा है कि इसकी राह में हल्का सा भी परिवर्तन आया तो पूरा इसका जो प्रभाव है वो पूरे विश्व को भुगतना पड़ सकता है। इसके सामने आने में अब कुछ ही घंटे बचे। आपको बता दें कि हर 100 साल में उल्कापिंड के धरती से टकराने की 50,000 संभावनाएं होती है। हालांकि वैज्ञानिकों के मुताबिक उल्कापिंड जैसे ही पृथ्वी के पास आता है तो जल जाता है। इतिहास में ऐसा कम ही हुआ है जब इतना बड़ा उल्कापिंड धरती से टकराया हो। धरती पर यह उल्कापिंड कई छोटे छोटे टुकड़ों में गिरते हैं, जिनसे किसी प्रकार का कोई नुकसान आज तक नहीं हुआ है। सोशल मीडिया में इस खबर के बाद से ऐसी चर्चाएं चल रही है कि दुनिया 29 अप्रैल को खत्म होने वाली है और मौसम में परिवर्तन उसी के वजह से हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि नहीं की है, इसलिए ऐसी चर्चाओं को विराम लगाएं, ये फिजूल की बातें हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये उल्कापिंड होता क्या है। दरअसल आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए या पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उनको उल्का और साधारण बोलचाल में टूटते हुए तारे या फिर लूका कहते हैं। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे उल्कापिंड यानी मेट्रोइड कहते हैं।